ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಲಹೆ. ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಶವ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20%, 85ರಿಂದ 90 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30% ಮತ್ತು 91ರಿಂದ 95 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 40% ಹಾಗೂ 100 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೇರೆ ಕೋ ತೋ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಕಿ ಇತನೇ ಸಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಬೈಠೆ ಹುವೆ ಹೈ. ಪೂರೇ ಬೆಲ್ಗಾಂವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 28,000 to 30,000 ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಜೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 7,000 to 10,000 ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. जो सब लोग बोलते हैं एक बार फौजी है हमेशा फौजी ही रहेगा, चाहे वो माजी फौजी होने दो, फिर भी फौजी फौजी का काम नहीं होता है. आप लोगों को पता होना चाहिए डिफेंस सेक्टर ही अकेले एक सेक्टर है जिसमें सर्विस खत्म होने के बाद भी उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बेनिफिट्स है, उनकी फैमिली को दिलाना गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बहुत ही बड़ा कार्य है जो कोई भी और सर्विस सेक्टर में नहीं है. उसके लिए हम सब लोग फौज का बहुत आभारी होना चाहिए कि फौज से रिटायर होने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद भी आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब छोटे हो बड़े हो, उसके लिए रेस्पेक्टिव जिला सैनिक ऑफिसर्स हैं जो इसी काम में है कि आप लोगों का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें. अभी मैं जॉइंट डायरेक्टर बेलगांव आने के बाद सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं. उस 6 महीने में हमको तो पता चला है कि हमारे फौजी भाई बहने बहुत बहुत ही स्ट्रांग हैं और उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी है, बहुत अच्छी बात है. बट ये मैं इस फोरम को यूटिलाइज करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, ECHS रिलेटेड हो, पेंशन रिलेटेड हो, लैंड रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सब लोग को वार्म वेलकम टू आवर ऑफिस, दैट इज जिला सैनिक ऑफिस बेलगावी. और हमारी जिम्मेदारी है जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका या तो सुझाव देंगे या उसको ಉಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪೂರಿ ತರಹ ಹಮ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಂಎಲ್ಐಸಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸಿಬಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ये सबसे सबसे गर्व की बात है कि भाई आप लोग सभी, मैं एक जोक सुनाना चाहता हूं सबसे पहला, ये स्टार्ट करने से पहले, कि मैं फौज में पूरे हायरार्की प्लाटून सेक्शन कंपनी कमांडर ब्रिगेड कमांडर या सेक्शन प्लाटून सारी देरी कंपनियां लड़ते हुए, वैसे यहां पर भी आप अपने कंपनियां और प्लाटून बना के रखते हैं. ये सबसे अच्छी चीज है. इस बारी मैं छुट्टी पे गया था, मेरा गांव अंधगोर विलेज सुट्टीगोप्पा मडिकेरी कोडगु डिस्ट्रिक्ट में है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटक स्टेट. ठीक है, उसमें गए तो इस बारी मेरा
क्योंकि हाँ हमारा हर एक घर में एक एक फौजी है, तो सभी ने मेरे को जपेट में ले लिया, बोला कि आप नेक्स्ट जो आप एक्सर्विसमैन बनोगे तब कि हम आप ही से आपको कंट्रीब्यूशन लेंगे करके बोल के मेरे से कंट्रीब्यूशन ली। तो मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहला वहां पर मैंने बोला, सबसे पहला देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को निभाना बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए। मेरा एक ही मकसद है कि भी अगर आप इतने बड़े पैमाने पे अपना यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित करके इस संस्था को जो चलाने वाले हैं, सबसे पहला मैं इंदू प्रभा मैडम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैम एक अच्छा सा पौधे पर यहाँ पे विराजमान है बेलगाम में, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गाइडलाइंस लेने के लिए काफ़ी दूर जाना नहीं पड़ेगा। बेलगाम इज अ सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन कर्नाटका, फर्स्ट इज बेंगलोर, सेकेंड इज बेलगाम। बेलगाम को बहुत अपने एक ग्रेट हिस्ट्री भी है और ग्रेट मान्यता भी है। ऐसा नहीं कि मैसूर का नाम सुना, मैसूर में भी राजा महाराज जो रहे, वैसे बेलगाम में भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। बेलगाम को सेकेंड मिलिट्री स्टेशन माना गया है और उसका अपने स्टेटस है, इसलिए बेलगाम में एक आर्मी यूनिट है मराठा रेजिमेंटल सेंटर, इनकी तालाकात रखने वाला एक एसआरओ साहब भी हमारा साथ आज मौजूद है, लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष देसाब। अगर आपको इररेस्पेक्टिव रेजिमेंटल, चाहे मद्रास का हो, चाहे मराठा का हो, चाहे कुमाऊं का हो, चाहे इंजीनियर्स का हो, कोई भी यहाँ पर जो बैठे जितने भी व्यक्ति हैं, एक्सर्विसमैन हमारा भूतपूर्व सैनिक है, या यहाँ पर वार विडोज भी बैठे हैं, मैडम हैं या माताजी हैं और उनका वाइफ है, वो गर्व के साथ आज आए हैं इस मंच पर, आपको जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपको तकलीफ है, वो आप ये दो हस्तियां हैं यहाँ पे बैठे हैं, इनसे आप 24/7 आप कभी भी उनके पास जा सकते हैं आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಿತಿಯ ರುವಾರಿ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಸಂಗ್ರೋಳೆ, ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಿಂಗನಗೌಡರ್, ಬಸವರಾಜ್ ವನ್ನೂರ್, ಪಿವಿ ಕೋರಗಲ್ಮಠ್, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕುರುಬರ್, ಎಂಎಸ್ ಹರಗಬಾಳ್, ಎಚ್ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ವೀರವನಿತೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜು ಸುನಗಾರ್ ಸ್ವಾಗತ, ಅಶೋಕ್ ಮುರಚಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು, ಅಜಿತ್ ಸಂಗೋಳೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಟಾರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ರಮೇಶ್ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ನೇಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಡಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು. धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस मौके पे बुलाया है, और आप सबको आपके 39 इयर्स ऑफ फाउंडेशन डे के लिए बधाई देता हूं। चंद बातें बीइंग एसआरओ मराठा रिकॉर्ड्स, मैं पेंशन के बारे में ही बात करूंगा रिलेटेड टू पेंशन। पिछले कुछ महीनों में आप सबको पता है कि पेंशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, सबको मालूम है, आपको स्पर्श के बारे में मालूम है, जो 2016 के बाद के रिटायरीज है, जो सविद सीपीसी के बाद, उनके पेंशन स्पर्श सिस्टम से पे किया जा रहा है। आप सबको पता है जो पहले सीपीसीसी जो बैंक है, अपने अपने रेस्पेक्टिव बैंक है, उनके अपने अपने सीपीसीसी होते थे, उनके थ्रू पेमेंट दिया जाता था, बट स्पर्श सिस्टम होने के बाद डायरेक्टली पीसीडीए, जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है पीसीडीए, पीसीडीए के अलावा वही
पीडीए का काम कर रहा है, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी का काम वो ही कर रहा है। उससे फायदा क्या है, एक तो सीधा किसी भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके पेंशन क्रेडिट करते हैं और आपके पास स्पर्श का अपना आईडी और पासवर्ड है। जिनके भी अकाउंट माइग्रेट हुआ है, किसी भी पेंशन ने माइग्रेट किया है स्पर्श में, या उनके इनिशियल पीपीओ के स्पर्श से आया है, उनके पास अपना स्पर्श का आईडी और पासवर्ड है ना? है। तो आप अपना पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड से आप अपना स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करके, आपको अगर कोई दिक्कत है, ग्रीवेंस है, आप डायरेक्टली पीसीडीए को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने किया है अभी तक? आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट पीसीडीए को कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरी पेंशन में ये दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसी, जो जीवन प्रमाण पत्र है। पहले अभी भी जो पुराने पेंशनर है जिनके स्पर्श से नहीं है, वो नवंबर महीने में बैंक में जाके अपना डीएलसी देते हैं, जीवन प्रमाण पत्र देते हैं, फिजिकली बैंक में जाके देते हैं। बट जिनके अकाउंट पेंशन अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, पीसीडीए पेंशन में माइग्रेट कर दिया है, उनकी डीएलसी आप बैंक में जाके देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी है, इवन अब्रॉड में है, विदेश में अब गए हैं किसी काम की वजह से, या अपने होम टाउन में नहीं है, आप डीएलसी स्पर्श के तहत आप बायोमेट्रिक से आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे सर्विस सेंटर खुला हुआ है, उन सर्विस सेंटर का काम है वो फ्री में आपको आपका डीएलसी अपलोड करेगा, और आप अपने लॉगिन करके आप अपने नियर बाई जो स्पर्श के सर्विस सेंटर है उसको लोकेट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चेंज है, और धीरे धीरे सब जो पुराने पेंशनर हैं जिनको माइग्रेट नहीं हुआ है, वो सारे स्पर्श में माइग्रेट हो जाएगा। उसके लिए आपको आपका आधार, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर रिकॉर्ड ऑफिस में पार्टी ऑर्डर होना चाहिए, जिसके लिए आपको अगर किसी ने नहीं भेजा है, आप इमीडिएटली ये सारे इंफॉर्मेशन, आपका सिर्फ आपका ही नहीं, आपका जो फैमिली पेंशनर है, आपके वाइफ का है, उनका भी आपने आधार कार्ड, आप उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी, ये सारे आपने अपना रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। और भेजने के बाद उनका जो रिवाइज पीपीओ है, जब तक आपका पीपीओ में ये सारे इंफॉर्मेशन अपलोड होके, मतलब नोट होके नहीं आता है, तब तक आपका काम खत्म नहीं होता है। तो ये चीजें आपने इंश्योर करना है कि आपके आधार, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, ये सारे रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपने भेजा है और ये पीपीओ में नोटिफाई हुआ है, और उस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपने चेंज नहीं करना है फ्रिक्वेंटली। ठीक है।